पंच परमेष्टी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धे गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटिशः प्रणाम। आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरे आशीष स्वीकार करें, दोनों हाथों को जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतिमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। यही आया यही आया ननु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीति ततोतिता ततोतिता तुते तीता त्रोति त्रोति ततोतिता ततो ताति ततो तोते तत्ताते ततो तता। पुष्पदन्ति को नितु नमो तजने को अज्ञान दुवासी सुअभय मुझे करो आत्मिकल्याण। पूरी चेतन ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतिमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। यही आया यही आया ततताते ततो तता। पुष्पदन्ति को नितु पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निरंतरता गति के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों स्वामी की भगवान पद्म प्रभु स्वामी की भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट श्री सनमति सागर जी महाराज की आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की गुरुवर आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की डॉक्टर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की सौमूर्ति 108 श्री डॉक्टर पीयूष सागर जी महाराज की नेता के साथ, पूरी इंटीमेसी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निरंतरता गति के साथ उनकी जय घोष।
जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। जितने ऊंचे हाथ जाएंगे जिंदगी में उतनी ऊंचाइयां मिलेंगी, जितने हाथ नीचे रहेंगे जिंदगी में मेहनत करोगे उठ नहीं पाओगे। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नवीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सनमति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, महाराज के, महाराज के, विश्व धर्म के, मानव धर्म के। बोली अंतर्मना मुनि डॉक्टर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, सौमूर्ति 108 डॉक्टर पीयूष सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी की स्पीड तकरीबन 160-180 के करीब होगी, बहुत स्पीड में जा रहा है, और एक व्यक्ति का भाई नीचे झाड़ी में फंसा है। अब मरा की कम मरा, वो व्यक्ति अपने भाई को बचाने के लिए बीच सड़क पर खड़ा हो गया कि कोई मुझे हेल्प मिल जाए और कोई व्यक्ति मेरे भाई को बचा ले। सामने से देखा गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है, वह व्यक्ति सड़क के बीच में यूं हाथ करके खड़ा हो गया और यूं कर गाड़ी रोको, गाड़ी स्पीड में है। उसके हाथ में एक पत्थर था। जब देखा गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही है और जैसी गाड़ी 5 सी स्पीड में निकली, उस बंदे ने एक पत्थर पीछे से गाड़ी में दिया और गाड़ी का कांच तुम देख रहे थे टूट गया। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कांच टूटने वाला है। प्रवचन मैं कर रही हूं कि तुम कर रहे हो? उसका कांच नहीं टूटा, चटक गया। क्या कर लोगे तुम तो तोड़ना चाहती हो। कांच चटक गया और जैसे पत्थर गाड़ी में लगा, उसने गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाया, दरवाजा खोला। मूर्ख, तुमने पत्थर गाड़ी में क्यों मारा? भाई मेरे, मेरा भाई नीचे झाड़ी में फंसा है, यदि आप उसकी हेल्प कर दोगे तो मेरा भाई बच जाएगा। अब उसकी शादी को 2 महीने ही हुए हैं। जैसे वो किनारे में जाके देखता है कि उसका भाई लटक रहा है, अब बिरा के कमरा, जैसे तैसे करके दोनों ने मिलके उस भाई को बचा लिया और वह व्यक्ति अपनी गाड़ी में वापस बैठ के फिर जैसे ही जाने लगा, जिस व्यक्ति ने गाड़ी को रोका था उसने कहा, भाई मेरे, तुमने मेरे भाई को बचाया है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मैं तो उसको 1,00,000 धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भाई मेरे एक बात मेरी याद रखना, गाड़ी इतनी तेज मत दौड़ाओ कि किसी को रोकने के लिए पत्थर का उपयोग करना पड़े। गाड़ी इतनी तेज मत दौड़ाओ कि किसी को रोकने के लिए पत्थर का उपयोग करना पड़े। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है? दौड़ना, भागना, अंतहीन यात्रा पर जाना। लक्ष्य क्या है? तुम कहां जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो और कितना रुपया कमाना चाहते हो? एक लक्ष्य तो बनाओ। और हम गलत फहमी में कि बड़े जिनके पास खूब पैसा खूब धन है वो बहुत सुखी हैं, गलत फहमी में हैं हम। जिनके पास जितनी दौलत शोहरत धन जमीन जायदाद है उतने उनके पास दुख भी उतने ही हैं। और हम सोचते साधु संत दुखी परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी बेचारे, एक बार कहते गरीब में चलते ठंडी में नग्न रहते हैं, बहुत दुखी परेशान है। जिनको तुम दुखी परेशान समझते हो
दुनिया के वही सुखी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके तन पर लंगोटी नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, खाने को रोटी नहीं, वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान है। जिनके पीछे दुनिया के बड़े बड़े धनपति संपन्न लोग पीछे पीछे भागते हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, संसार में धर्म करने वाले लोग कम हैं, संसार में धर्म करने वाले लोग कम हैं, उससे कम मानने वाले लोग हैं और उससे कम आचरण करने वाले हैं और उससे कम पाप छोड़ने वाले लोग संसार में बहुत कम हैं। कान अच्छा सुनना चाहता है, कान अच्छा सुनना चाहता है, आंख अच्छा देखना पसंद करती है, जिभा अच्छा अच्छा बीटा बीटा चटपटा खाना पसंद करती है, नाक अच्छा सूंघना पसंद करती है, शरीर अच्छा स्पर्श करना पसंद करता है, ये सब मन का समीकरण है। जब मन अच्छा होता है तो बुरे गीत भी अच्छे लगने लगते हैं और जब मन खराब होता है तो अच्छे गीत भी। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? जब पेट भरा होता है तो रसगुल्ला भी बेकार लगता है और जब भूख लगी होती है तो बिन शक्कर की चाय भी। सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? इतना निवेदन कर रहा हूं, 10 नवंबर से लगातार चल रहा हूं बेंगलोर, 10 नवंबर को छोड़ा था सरावगी परिवार से और आज 30 जून को हम पदमपुरा में पहुंचे। एक संकल्प लेकर निकला था कि मुझे पदमपुरा साधना करने के लिए जाना है और 3 साल से हल्ला कर रहा था पूरे देश में, जहां जहां गया, जहां जहां चतुर्मास किए, एक ही आवाज कहता था कि मुझे पदमपुरा 2017 में पदमपुरा जाना है। और मुझे जो साधना में यहां आनंद आया, माना कि 32 उपवास हमने नागपुर में किए, वो आनंद नहीं आया जो आनंद मुझे 80 दिन की साधना में पदमपुरा में आया था। क्योंकि पदमपुरा पदम प्रभु भगवान हमारे अपने बाप की बपौती है, वो हमारे खानदानी भगवान है, हमारे 3-4 पीढ़ियों के परंपरा से मानने वाले भगवान पदम प्रभु स्वामी हैं, जिनको हमारे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों जो 3-4 पीढ़ी के मर गए हैं वो भी पदमपुर भगवान को ही मानते थे और यही राजस्थान के जयपुर पदमपुरा में ही अपने संपूर्ण प्रार्थनाओं को लेकर यहीं पर आते थे। तो सोचा कि नहीं, हमारे जब अपने ही भगवान हैं, अपना ही मन है, तो साधना अपने भगवान के पास की जाए, कुछ भी होगा अपने भगवान के पास ही होगा ना। सोचो 186 दिन की साधना करने कितना लंबा चल के आया, कितना। डॉक्टर साहब पंडित जी कह रहे थे ना कि सोचो एक साधु ने इतना बड़ा संकल्प लिया, कितना चल, इस भीषण गर्मी में जिस समय तुम 10 बजे बाहर निकलना पसंद नहीं करते हो, उस समय हम 9 बजे 20-20 किलोमीटर चलते थे, 15-15 किलोमीटर एक साथ चलते थे। सोचो तुम्हारे दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, हाथ में पानी पीते हैं, अंजलि में दूध लेते हैं, जमीन पर सोते हैं, केश लुंच करते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार करने वाले साधु दिन भर में हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं और तुम दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम तक मंदिर चल के नहीं आ पाते हो। दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, मंदिर चल के नहीं आ पाते हो, तो तुम्हारे साधु एक बार खाने के बाद हंस करके 24 घंटे में 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं। और ध्यान रखना, तन जिनका घूमेगा वो स्वस्थ रहते हैं, तन जिनका घूमेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्थिर रहेगा वो उतना स्वस्थ रहेगा। सुबह से देखो नहीं, आप बड़े बड़े बगीचों में गार्डन में लोग घूम रहे, भटक रहे हैं, किस लिए? श्वास ठीक करने के लिए। कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई भस्त्रिका कर रहा है, कोई कपालभाति कर रहा है,
लेकिन उस भांति से कुछ भी कुछ कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। जितना पेट लटक रहा है वो बाद में भी पेट लटक रहा है, पीछे का जो गिर रहा है वो नीचे गिर ही रहा है। अब तुम कुछ भी कर लो, अब वो अंदर घुसने वाला जो एक बार कवरेज एरिए के बाहर चला गया, अब वो अंदर आने वाला। गलत बोल दिया क्या? और मुझे असल लगता है पहले वो घूमेंगे दौड़ेंगे भागेंगे और फिर जाके 200 ग्राम चने खा लेंगे, 5 गिलास जूस पी लेंगे। अरे मैं आज मॉर्निंग वॉक करके आ गया बाहर, सेठ जी 5 किलोमीटर साइकिल चला के आ गए, और फिर देखा बाद में इतना यहां तक ठूस ठूस के खा रहे हैं। ध्यान रखना, यदि पहले ही कंट्रोल कर लिया होता तो भागने दौड़ने की परेशानी नहीं आती। पदमपुरा में अब मैं प्रभावना के लिए नहीं आया हूं, साधना के लिए आया हूं। प्रभावना तो हमारे मरा सब कर रहे हैं। अभी जो एक डॉक्टर की डिग्री, अनेक डिग्रियां, और दिल से कहूं मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और मुझे पता भी नहीं कर क्या रहे हैं भीतर बैठे बैठे। यदि आप पूछो गुरुदेव आपने किसमें थीसिस लिखी है, तो इनको ही पता, मुझे पता नहीं है। और निवेदन करो, सब डिग्रियां मुनि मुद्रा के सामने सब बोनी है, छोटी हैं। इन डिग्रियों से हमारा उद्धार कल्याण नहीं है, लेकिन पब्लिकली लोगों की जो मेंटलिटी बनी है, और यार वो डिग्री वाले मरा दिए, यार वो डिग्री, जमाना योग्यता का नहीं डिग्रियों का चल रहा है। इतना निवेदन कर रहा हूं, ये सब आधी व्याधि उपाधियां, इन डिग्रियों से मेरा कोई तालुकात कोई संबंध नहीं है। और सिर्फ महाश्री का इसके पीछे इतना ही उद्देश्य है कि आने वाले 10, 20, 25, 50, 100 साल बाद यदि कभी कोई प्रश्न खड़ा हो तो हम मुंह फाड़ के कह सकते नहीं, दिगंबर साधु भी इस रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अभी जो पिछी का जो बवाल हुआ था, पिछी पर बैन लग गया था, किस लिए लगा था? पिछी के पंख अब नहीं लिए जाएंगे, नहीं बेचे जाएंगे। और 10 मिनट में विद्यानंद जी महाराज साहब ने उसका समाधान कर दिया, लेकिन अब वो चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई है कि दिगंबर साधु आज से नहीं, लाखों करोड़ों अरबों सालों से यदि अपने हाथ में रखते हैं तो पिछी कमंडल और साथ ही करोड़ों सालों से, आज की दैन नहीं है, अरबों खरबों सालों से यही चला आ रहा है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब का 50वां दीक्षा दिवस है, और सोचो वो आचार्य कितना निर्लिप्त है, वो आचार्य कितने निर्लिप्त हैं, ना दीक्षा दिवस मनाने का कोई उत्सव है, ना कोई खुशी है, ना कोई आनंद, कहां जाके बैठ गए डोंगरगुर में ताकि कोई आए तो वापिस जा ना पाए, ना जन्म जयंती का कोई उत्सव महोत्सव है। और निवेदन कर रहा हूं आचार्य श्री के शिष्य कहलाने वाले जो उन्हें भगवान मानते हैं और दूसरों के मूल गुणों पर आक्षेप लगाते हैं, जो उन्हें भगवान मानते हैं और दूसरों के मूल गुणों पर आक्षेप लगाते हैं, जिन्हें 5 महाव्रत, यदि उनसे पूछा जाए कि भैया 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, एक इसकी है, आचार्यों के मूल गुण है। इतिहास प्रकार का चरित्र मुनि का है, आचार्यों का है। संघ का समाधान में किसी ने प्रश्न पूछा, प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न में कोई दम नहीं था, लेकिन जब मन में कसाय होती हैं तो जवाब कसाई के रूप में निकलते हैं। और मैं तो खुल के बोलता हूं, आजकल जो संघ का समाधान पारस टीवी में जो आ रहा है वो संघ का समाधान नहीं, कसाई समाधान आ रहा है। भीतर की जो कसाई है, जो द्वेष भरा है, जो मन में गंदगी भरी है, वो प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं और जवाब कसाई के निकल रहे हैं। अभी पोंगा साधु ने कहा, एक साधु को आसाम से भगाया गया, कपड़े पहना के निकाला गया, खदेड़ा गया, अब राजस्थान में आ गया है। राजस्थान वालों, उस शीतलाचारी साधु से बच के रहना। और मैं पोंगा साधु से कहना चाहता हूं,
और मेरा ये व्हाट्सएप पूरे देश में फैला देना। आप आसाम के बड़े बड़े धनपतियों के, डिब्रूगढ़ समाज के अध्यक्ष मंत्री, मेरे पास सबके नाम लिखे हैं। डिब्रूगढ़ समाज अध्यक्ष को फोन लगा के पूछो, डीमापुर समाज के अध्यक्ष को फोन लगा के पूछो, तीनसुकिया समाज के अध्यक्ष को फोन लगा के पूछो, और आप कोई भी फोन करके पूछो, दिसपुर समाज के अध्यक्ष मंत्री को फोन लगा के पूछो, विजयनगर समाज के अध्यक्ष फोन लगाकर पूछो, धुबरी समाज के अध्यक्ष मंत्री को फोन लगा के पूछो, बंगाईगांव के अध्यक्ष मंत्री को फोन लगा के पूछो, धुबरी की अध्यक्ष मंत्री को फोन लगा के पूछो, नलवाड़ी समाज की जहां जहां मैं गया हूं, यदि एक बंदा कह दे कि प्रसन्न सागर ने आज तक कभी आसाम में एक पैसे का चंदा चिट्ठा किया, एक पैसे का कुछ चरित्र पतन किया, तो मैं आज ही सटरस का त्याग करने को तैयार बैठा हूं। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतना सा अनुरोध कर रहा हूं। अरे पोंगा साधु, पांच महाव्रत को कैसे पालते हैं ए, अपने तुम गुरु से सीखो। पांच महाव्रत को कैसे पालन करते हैं अपने गुरु से सीखो। समिति को कैसे पालन करते हैं अपने गुरु के पास जाके सीखो। और तीन गुप्तियां क्या होती हैं अपने गुरु के पास जाके सीखो कि विद्यासागर ने कैसे महाव्रतों का पालन किया है, वो कैसे कर रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, इतना अनुरोध कर रहा हूं कि आचार्य श्री को अपना गुरु मानने वाले ये पोंगा साधु समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आचार्य श्री के मन में देखो त्रियंश के प्रति भी अपनत्व का भाव है। आचार्य श्री के मन में जानवर के प्रति, त्रियंश के प्रति अपनत्व का भाव है। भाई पोंगा साधु के मन में साधर्मी के प्रति कसाय ईर्ष्या द्वेष का भाव भरा है। कैसा तू सम्यक दृष्टि जीव है, कैसी तेरी प्रभावना है, कैसा तेरा वात्सल अंग है, और कैसा तेरा निर्दोष व्रतों का पालन है। एक पोंगा साधु पंथ के नाम पर समाज में विष का बमन कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले ये 20 पंथी 13 पंथी पद्मवती क्षेत्र इनको बाहर निकाला। अरे तुम क्यों पगला, तुम होता कौन निकालने वाला बाहर, अपने व्रतों का पालन करो। और मेरे गुरुदेव जब मैं संघ से जा रहा था गुवाहाटी आसाम के लिए, तो मेरे गुरु ने 3 बातें मुझसे कही थी, बेटा प्रसन्न सागर, हमने कहा गुरुदेव मैं पहली बार संघ से जा रहा हूं, हम समाज को क्या संदेश दें। तब मेरे गुरु ने की 3 बातें हमसे कही, बेटा प्रसन्न सागर जिस समाज में जाओ मीठा ही मीठा परोसना। हमने कहा गुरुदेव कब तक, बोले बेटा जब तक सामने वाले को डायबिटीज ना हो जाए। दूसरा गुरुदेव ने हमसे कहा कि प्रसन्न सागर दूसरी बात का ध्यान रखना, कभी भी समाज के विवादों को तुम ज्ञानी बन के मत सुलझाना, वो पगले सुलझेंगे नहीं और तुमको उलझा के सब एक हो जाएंगे। और तीसरी बात गुरुदेव ने कहा कि बेटा प्रसन्न सागर तुम जिस समाज में जब जहां जाओ, जिस मंदिर की जो समाज की आमना परंपरा हो, कभी उसको तुम छेड़ना मत। जो व्यक्ति जो कर रहा है बस उसको सत्य मान के अपना काम करना और आगे बढ़ जाना। इतना निवेदन कर रहा हूं, जिनका गुरु ख्याति पूजा लाभ से कोसों दूर जाके बैठा है, और बहुत पोंगा साधु ख्याति पूजा प्रतिष्ठा के लिए मंदिरों की मूर्तियां बदल देते हैं रातों रात, मूर्तियों के चिन्ह बदल देते हैं रातों रात, समाज की नियमावली रातों रात बदल देते हैं, समाज के नियम उसूलों को रातों रात बदल देते हैं। अरे तू कैसा अरे तू कैसा निर्दोष मुनि है। इतना छल कपट साधु समाज के साथ करता है तो उसका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो होगा वो अच्छा। और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक इतना श्रेष्ठ आचार जिसके सारे साधु साधवियां अपने कद पद से प्रभावना कर रहे हैं, पूरे संघ में एक पोंगा साधु जो पूरे समाज में संघ को बदनाम कर रहा है, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। सिर्फ एक साधु पूरी समाज में पंथ के नाम पर
या फिर साधुओं के शीतलाचार के नाम पर तू हो, तुम कोई आचार्य तो है नहीं जो मुनियों को ज्ञान दे रहा है, तुम खुद हमारी कैटेगरी का है, कमरे के भीतर कुछ हो और बाहर कुछ हो। इतना निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं जो हमें समझ ना सका, उसे पूरा हक है अच्छा बुरा कहने का। जो मुझे समझ ना सका उसे अच्छा बुरा, उसे पूरा हक है अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है, वो हम पर जान देता है। इतना निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे कल से मौन रहना है और मौन 7 महीने का मौन है हमारा। एक बार उस पोंगा से कहो कि तुम 10-20 दिन का मौन लेके देखो, 10 उपास करके देखो, पता चल जाए कि दिन तारे जमीन पर नजर आ जाएंगे। बोलना बकना अलग बात है और करने में पूरे शरीर को चिब्भा इस रसलीला बाई को बस में करना पड़ता है। हम बक कुछ भी सकते किसी के बारे में, और ध्यान रखना आचार्यों ने कुंदकुन स्वामी ने कहा है, द्रवलिंगी भावलिंगी साधु पंचम काल के अंतिम समय तक होते ही रहेंगे और समाज इनका निर्वाह करेगी। हम होते कौन सुधार, पहले खुद तो सुधर जाओ उसके बाद हम दूसरों को सुधारने की बातें कहेंगे। इतना निवेदन कर रहा हूं, इतना संरोध कर रहा हूं। उस गाड़ी वाले व्यक्ति से उस युवक ने कहा कि गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार में मत दौड़ाओ कि हमें रोकने के लिए पत्थर का उपयोग करना पड़े। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब जो भी आज से हमको आहार देंगे, अब आपके काम की बात कर रहे हो, जितने लोग जो बैठ कान खोल के सुन लें, अब जो भी आज से हमको आहार देंगे यदि उनके यदि वो इतने नियम का फॉलो करें तो चौकी में कपड़े पहन के आना, अन्यथा बाहर होकर के हाथ जोड़ के आहार देखने की अनुमोदना कर लेना। जो व्यक्ति 10 जनवरी तक आज से 10 जनवरी तक बाजार में खाने का त्याग करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिनका आज से 10 जनवरी तक आलू प्याज लहसुन का त्याग हो। तीसरी बात, जिनका आज से 10 जनवरी तक के लिए रात्रि भोजन का टोटल पूरा त्याग हो, सिर्फ पानी की छूट, वो भी औषधि के लिए, तो वो लोग चौकी में आए, अन्यथा चौकी के बाहर खड़े हो जाएं। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता, मुझे देने वाले यदि मेरा पुण्य है छप्पर फाड़ के मिलेगा, और पुण्य नहीं है अच्छे अच्छे देवता भी पास से गुजर जाएंगे, दे भी नहीं पाएंगे। अब एक दूसरी बात ध्यान रखें, आपका प्रश्न मनासी, यदि हम कहीं 5 दिन बाहर जाए तो कहां भूखे मर जाएं क्या? आप बाहर जाओ, हमने क्या कहा, बाजार में खाने का त्याग है, बाजार में खाने का त्याग है, आप कमरे में बैठ के खाओ, रूम में बैठ के खाओ, लेकिन होटल में बैठ के शादी पार्टी में बैठ कर जाकर के नहीं खाना। जुलाई से दिवाली तक आप 7 बजे तक भोजन कर सकते हैं, जुलाई से नवंबर दिवाली तक आप शाम 7 बजे तक भोजन कर सकते हैं, दिवाली के बाद से मार्च तक आप 6 बजे तक भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है, दिन जल्दी अस्त हो जाते हैं, दिन जल्दी ढल जाता है, और मार्च से लेकर के उसके आगे तो आपका नियम समाप्ति हो जाएगा 10 जनवरी तक के लिए। और ध्यान रखने, डायरेक्ट कोई भी चौकी में आहार देने नहीं, पहले महाराज साहब के पास सिर पर चढ़ाएगा, इनसे संकल्प लेगा, तब वो चौकी में आहार देने के लिए अंदर एंट्री लेगा, अन्यथा नो एंट्री। 2006 की सुपरहिट फिल्म। और मैं अभी फिर बोल रहा हूं कि आप मुझसे पूरे चतुर्मास में 186 दिन मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना, कमेटी वाले हो, समिति वाले हो, प्रबंध समिति हो,
कमेटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मुझसे कोई अपेक्षा आप ये भूल जाओ कि प्रसन्न सागर पद्म पुरा में बैठे हैं। हम यहां पर आकर के भी हम आपको दिखेंगे नहीं। आपको जो काम हो, जो कुछ जानना हो, पूछना हो, समझना हो, सौम मूर्ति डॉक्टर हम मुस्कुराओ भाई मुनि पीयूष सागर जी महाराज साहब, चूंकि रैकी मास्टर थे, पढ़े लिखे तम की, जब तुम इतना पढ़ा लिखा है, रैकी की डिग्री है, तो डॉक्टर की डिग्री लगाओ ना, क्या दिक्कत है। और वाकई में ये डिग्री नहीं, पिछले जन्म का पुण्य का फल। हां, उस डिग्री में लिप्त नहीं होने का, डिग्री में लिप्त नहीं होने का, निर्लिप्त रहने का। इतना निवेदन कर रहा हूं, यदि हम आपको मिल जाएं, आपका सौभाग्य दिख जाएं, आपका पुण्य, और नहीं दिखे तो हल्ला मत करना, सेटिंग मत करना। पिछली जब 80 दिन की साधना में तो हमारे जो बच्चे गेट पर बैठते थे, भाई 500 रुपए ले लो यार, एक बार दिखा दो गुरुदेव को। यहां भी सोर्स चलता, 500 ले लो, 5000 ले लो, 2000, 10 गणेश में मुझसे आके बोलते गुरुदेव, और एक सज्जन बोले बेटे 10000 अपने पास आके ले, गुरुदेव कब बाहर निकलते, तू मुझे इतना बतला दे। बोले बाबू मुझे यहां नौकरी करना है, मुझे यहां से भगना नहीं है। इतना निवेदन कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि कठिन, बहुत कठिन साधना है, लेकिन मेरा मन बहुत सरल है, और जब मन सरल होता है तो हम पत्थर से पानी निकाल देते हैं और पानी में आग लगा देते हैं, और जब मन कठिन होता है तो हमसे पापड़ भी नहीं टूट पाते हैं। इतना अनुरोध कर रहा हूं आपसे, चूंकि कल से अष्टानिका लग रही है, अष्टानिका का पूर्ण है कि हम अष्टानिका को बड़े आनंद से, अपनी शुरुआत साधना की अष्टानिका से करें। लेकिन जो भी प्रोग्राम्स होंगे, अभी 3 त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है, उसमें हम इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन पब्लिकली कोई लेन देन नहीं, कोई बात नहीं करेंगे हम आपसे। हाँ, लेकिन जो मंच का कार्यक्रम होगा जिसमें मुझे बोलना बोलना, लेकिन 9 तारीख तक, उसके बाद हम अकेले, तुम अकेले, फिर तुम अपना देखो। महाराज साहब जो कहें, जैसा कहें, अब उस चीज को फॉलो करो, फिर मुझे कोई विकल्प मत देना, कोई टेंशन मत देना, पर्ची नीचे से मत डालना दरवाजे की, मरा गुरुदेव फलाने चंद नीचे खड़े हैं दो घंटे से, फिर कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार हो, अपना कोई रिलेशन, कोई संबंध, जब चूंकि मैं भूखा यूं नहीं मरूंगा, मैं भूखे, यदि हम भूखे रहने की साधना कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को, अपने आप को, और अपने आप को जानने के लिए, पाने के लिए, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो हम साधना कर रहे हैं। साधना का उद्देश्य कोई सिद्धि फिद्धि का नहीं, सिद्धि फिद्धियां तो बहुत पीछे पीछे घूमती रहती हैं, सिद्धियों का लक्ष्य कभी बना, जिंदगी कभी बना ही नहीं है। हाँ, आत्म सिद्धि का उद्देश्य है, जिस लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे प्रतिष्ठाचार, मूर्धन प्रतिष्ठाचार कर्नाटक के, चूंकि अभी मेरा मुहूर्त है एक रूम का, पीठ स्थापना का, दीप प्रज्वलन का, बस अभी तुरंत महाराज साहब अभी 2 सप्ताह आशीर्वाद देंगे, उसके तुरंत सीधे यहां से उठूंगा, रूम में जाऊंगा, पीठ स्थापना करूंगा, अपना मुहूर्त की पूरी करूंगा, उसके बाद चरिया में उठूंगा, उसके बाद फिर 5 बजे के बाद आपसे मिलूंगा। इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूं, गाड़ी इतनी तेज मत दौड़ाओ कि रोकने के लिए पत्थर का उपयोग करना पड़े। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमें समझ नहीं सका उसे पूरा हक है अच्छा बुरा कहने का, क्योंकि जो हमें जान लेता है वो हम पर जान देता है। पर पोंगा साधु से फिर निवेदन कर रहा हूं कि एक बार हमें एक बंदा खड़ा करो कि किसने प्रसन्न सागर को कपड़े पहनाए और किसने प्रसन्न सागर को आसाम से यहां भगाया। यदि तुम सच्चे महाव्रती हो और तुम अपने गुरु की अच्छी औलाद हो तो एक बार बताओ कि किसने किसको भगाया। यदि महाव्रती हो और महाव्रतों का पालन कर रहे हो उन व्यक्तियों को एक बार जरूर कि किसने मुझे पता नहीं मुझे कपड़े पहनाए और उन पगलों को पता चल गया कपड़े पहन करके इनको वहां भगाया जा रहा है। अपना आज तक का रिकॉर्ड 29 साल का रिकॉर्ड है, जितने चतुर्मास की आज तक एक भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ मेरे पीछे, एक भी ना चरित्र प्रश्न चिन्ह, ना चंदा चट्ठा का प्रश्न चिन्ह, ना कोई समाज के बाद विवाद का प्रश्न चिन्ह। जितने जहां जहां चतुर्मास की है आप कहीं फोन करके पूछ लो, पूरी इंक्वायरी कर लो प्रसन्न सागर क्या है, समझ जाओगे। वो बोलते बोलते थक जाएगा,
वो बोलते बोलते थकेगा नहीं, तुम सुनते सुनते थक जाओगे कि यार गुरुदेव क्या है। और आज भी बंगाल, कभी बंगाल चले जाओ, कभी मुर्शिदाबाद जाओ, कभी आसाम जाओ, बोलना प्रसन्न सागर जी महाराज कैसे थे, पता चल जाए प्रसन्न सागर क्या थे। जिस महिला ने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसको क्या पता कि बच्चे की गर्भ की पीड़ा क्या होती है, बच्चे देने का आनंद क्या होता है। जो जन्म से बांझ रही हो उसे मां बनने का अनुभव हो ही नहीं सकता है। बोलो महावीर भगवान की।